आज हमारे पुराने मित्र अजय जी कर्मा भी आज यहाँ पर आए हैं, और किसी कारणवश अभी इतने दिनों तक उनको समय ही नहीं मिला, इस वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन फ़ोन पे वो ज़्यादातर लगे रहे, मुझसे पूछते भी रहे कि कितना काम हुआ है कितना नहीं। और अभी फ़िलहाल में मैं ये तार यहाँ पर बांधने का काम कर रहा था, तो आते ही अजय भैया ने उनके हाथों में काम लिया और बाबा की सेवा में थोड़ा सा उनका भी सहयोग प्रदान करने के लिए। और वैसे अजय भैया हमेशा हमारे इस काम में सहयोग करते रहते हैं, इसलिए अजय भैया का दिल से धन्यवाद। अभी फ़िलहाल में मैं हरिहर जिनिंग रामनोत के परिसर में आया हूँ, और इस जगह पर बाबा श्याम का 6 मार्च को भव्य कीर्तन होगा, और इस जगह पर ये मंच लग रहा है। और इस मंच की जो इसके पीछे की जो फ्रेम है उसको लगवाने के लिए फ़िलहाल में मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसके ऊपर हमारा जो स्टेज हमने बनाया है वो फिट होगा। इस तरीके से ये पाइप लगना अभी चालू हुए हैं। अभी फ़िलहाल में हमारा एक काम और बढ़ गया है, जो मंच लगेगा उसके आगे एक फिट का एक पट्टा ऐसे जो चलेगा, उसको हम कपड़ा ऐसा एक ठोक कर और उसके ऊपर एक एक फूल चिपका देंगे, तो ऐसे लगभग मुझे 80 फूल काटना है। अभी मंच हमारा वहाँ लग रहा है, और मैं अभी फ़िलहाल में घर पे ये फूल कटिंग का काम कर रहा हूँ, बच्चे भी इसी में लगे हैं। आज 5 तारीख हो चुकी है और आज हम मंच को लगाने के लिए जा रहे हैं, और सुबह की अभी 10 बज रही है और हम अब इसे ले जाने का काम कर रहे हैं, और गाड़ी हमारी आ रही है, और जब तक के बाहर हम फ्रेम को निकाल के रख रहे हैं। फिलहाल में हमने ये पैनल है सारी बाहर निकाल कर रख ली है, किसी कारण से स्कूल में एक कुछ काम चल रहा है तो वहाँ से यहाँ उठा कर इन्हें रखी है, और इधर से अभी हमारी गाड़ी आने वाली है। अभी हमारी गाड़ी आ चुकी है और अभी हम सारी फ्रेम गाड़ी में रख रहे हैं। हमारे माधव भैया और प्रवीण भैया भी यहीं पे हैं। फिलहाल में हमारा जो स्टेज है वो लगभग हम इतना लगा चुके हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है वैसे, लेकिन इसको पहली बार हम लगा रहे हैं तो थोड़ा सा सोचने और समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कौन सी पैनल को किधर लगाना है।
अभी रात के 9 बज चुके हैं और हमारा काम पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। मंच हमने रेडी कर दिया है, थोड़ी सी फिनिशिंग उसमें करना है, जो हम बाकी का काम कल सुबह करेंगे। हमारा जो ये मंच था वो पूरा हमने लगा दिया है और रेडी भी हो गया। अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर भजन संध्या जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल मैं अभी बच्चों को लेकर आया हूँ, इन्होंने भी मेहनत करी थी इस मंच को बनाने में। सब इधर देखो, मेरे आंसू पोछ कर कुछ जल लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवर। एक ताली के लिए बजाएं जिसमें आज का श्रृंगार और बाबा का इतना सुंदर दरबार हमारे बीच में, हमको बाबा को बजाने के लिए इतना सुंदर दरबार बना कर दिया है हमारे टीपू भैया। एक ताली के लिए बजाएं हमारे धामनोट के एक छुपे हुए कलाकार है जिन्होंने अकेले ने इतना बड़ा स्टेज खड़ा किया है। 45 दिनों से दरबार का काम किया और हमारे बीच में बाबा का इतना सुंदर सा स्टेज, इतना सुंदर सा दरबार बना हमने दिया है, उस व्यक्ति के लिए एक जोरदार ताली देना चाहिए। हमारे बीच में आदरणीय हमारे कुमार